वाराणसी के चौका घाट डिस्ट्रिक्ट गांधी शिल्प बाजार का हुआ भव्य आयोजन। और आपको बता दें कि मंत्री रविंद्र जायसवाल के द्वारा यहां पर भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बताया गया कि यह मेला 10 से लेकर के 19 फरवरी तक के लिए लगाया गया है, जहां पर आपको बता दें कि इंडिया के प्रमुख स्थानों से प्रमुख शहरों से लोग पहुंच करके अपने शहर के प्रसिद्ध वस्तुओं का प्रदर्शनी लगाए हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल का कहना था कि बनारस वाले हर साल मेले का इंतजार करते हैं, क्योंकि यह सब वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन जब से मेला लगाए गए हैं तब से लोगों को सभी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर उड़ीसा, पटना, बिहार, भदोही और बहुत सारी ऐसी जगह और हैं जहाँ से लोग बनारस में आ करके अपनी वस्तुओं का प्रदर्शनी करते हैं। कितने दिवसीय मेला है, क्या इसका उद्देश्य है? ये चौका घाट संकुल में यह मेले का उद्घाटन किया गया हस्तशिल्प का, जहाँ देश भर के अलग अलग कारीगरों का यह स्टॉल लगा है। बनारस के लोग, बनारस ऐसे पूरा पूर्वांचल के लोग ऐसे मेले का इंतजार करते हैं, क्योंकि पूरे देश के कारीगर ही चले आते हैं, वरना ये खरीदारी के लिए उनको जाना पड़ेगा उड़ीसा और कलकत्ता और बिहार और झारखंड, पूरा संपूर्ण राज्य के स्टॉल के लोग यहाँ जाते हैं। तो बनारस के लोगों को बाज़ार मिलता है और साथ ही जो उत्पादक हैं उनके लिए भी ग्राहक मिलते हैं। भारत सरकार का एक अति प्रशासनिक काम है, इसके लिए मैं पूरे टीम को साधुवाद देता हूँ कि बनारसियों को बाज़ार और जो उत्पादक हैं उनके लिए भी कस्टमर की बाज़ार का मेला लगता है। यह 10 दिवसीय मेला लगाया गया है, 19 तक है। सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी झलक देता है। मेरा अपील है कि सभी से कि आप एक बार आइए और राष्ट्रीय स्तर के देश के अलग अलग कोने से सभी कारीगर यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, उनके हुनर को देखिए और अपने घर भी ले जाइए। कोरोना के बाद ऐसे मेलों की कितनी सार्थकता है, बता सकते? यह वास्तव में मेला लगता है हर साल नवंबर में गंगा महोत्सव के समय में, क्योंकि पिछले बार कोरोना का इफेक्ट का इसलिए यह नहीं हो पाया था, इसको पोस्टपोन करके 4 महीने बाद लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर भीड़ पूरा भरा पड़ा है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं।